प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई भाजपा कार्यकर्ता रात भर से पालम एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हुए थे। भाजपा की दिल्ली प्रदेश यूनिट में पीएम के स्वागत में रात भर एयरपोर्ट के बाहर ही जश्न मनाया। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का भारत लौटने पर स्वागत किया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। पीएम ने अपनी विदेश यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा के दौरान जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया। खास बात यह है कि अब चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरा स्वभाव है। बता दें कि पीएम मोदी तीन देशों की आधिकारिक यात्रा कर भारत लौटे। पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए थे। पीएम मोदी ने 6 दिनों में इन तीनों देशों में कई बैठकें की। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत समारोह की अगवानी के दौरान जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरुल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के दौरे से, तीन देशों के विदेशी दौरे से वो लौटे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पल पल देश की बात की है, क्या कुछ पूरी जानकारी? दीपिका, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के, देखिए, एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दौरे के बाद आज सुबह भारत वापस लौट आए हैं। और देखिए, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देखिए तमाम सांसद, देखिए, देर रात से ही दिल्ली का जो पालम एयरपोर्ट है वहां पर, देखिए, देर रात से इंतजार कर रहे थे। और जब सुबह 5 बजे पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो देखिए पूरे जोश के साथ सभी ने मिलकर स्वागत किया पीएम मोदी का। और देखिए जापान और पापुआ न्यू गिनी के, देखिए, अहम दौरे के दौरे पर, देखिए, करीब 50 से ज्यादा कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी आज वापस देश लौट आए हैं। लेकिन देखिए, इतने दिनों के दौरे के बावजूद भी पीएम मोदी आराम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज देखिए जो जानकारी पीएमओ की तरफ से मिली है कि जब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की जो एक्शन पैकेज, जो स्केड्यूल की बात करें हम, तो देखिए तीनों देशों की यात्रा से लौटने के बाद भी वो बिना आराम किए लगातार काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज भी पूरे दिन देखिए उनका काफी बिजी स्केड्यूल बताया जा रहा है। देखिए, दिल्ली लौटने के बाद पीएम मोदी आज सुबह, देखिए, 9 बजे जो एक बैठक हो रही है उस बैठक में देखिए शामिल होने जा रहे हैं। और इसके देखिए ठीक 2 घंटे बाद पीएम मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से लेकर जो दिल्ली की वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी बिना रुके, बिना थके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीन देशों के दौरे के लौटने के बाद भी आज जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिन भर भी देखिए कई बैठकें होने वाली हैं और उन बैठकों में भी शामिल होंगे। शाम 7 बजे की बात करें आज तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ भी करेंगे। और हालिया में देखिए ये जो दौरे से पीएम लौट कर आए हैं उसमें भी देखिए लगातार बैठकों का जो दौर था दूसरे देशों में, देखिए वो भी चलता रहा, उसमें भी शामिल हुए पीएम मोदी। और देखिए, इस दौरे पर पीएम मोदी ने देखिए दुनिया के 12 से ज्यादा जो वैश्विक नेता हैं उनसे मुलाकात की
और देखिए इस दौरान तीन शिखर सम्मेलन समेत जो 50 से ज्यादा कार्यक्रम थे उसमें भी हिस्सा लिया। और देखिए 19 मई को जब जापान की यात्रा के लिए जब रवाना हुए थे पीएम मोदी, तो 21 मई को देखिए फिर वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और देखिए पीएम मोदी के ये जो दौरा था वो काफी महत्वपूर्ण था, और साथ ही साथ जिस तरीके से आने वाले दिनों में उसका फायदा जो है भारत को मिलते हुए जरूर दिखाई देगा। लेकिन देखिए पीएम मोदी के जिस तरीके से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज जब वो सुबह सुबह तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो दिल्ली के लोग थे, देखिए वो पालम एयरपोर्ट पे बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन पीएम मोदी भी देखिए किसी को भी निराश करते हुए नहीं दिखाई दिए, जहां तक उनसे हो सका देखिए उन्होंने सभी के साथ बातचीत करने की कोशिश करी। किसी एक पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है उसे उसका फॉलो करते हुए उन्होंने सभी से देखिए अभिवादन किया, और जब संबोधन किया तो देखिए उन्होंने बताया कि अब जब भारत दूसरे देशों में जाता है तो आंखें नीचे करके नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो देखिए भारत की जो नीति है, जो विकास नीति है, जो विदेश नीति है, देखिए वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पीएम मोदी की तरफ से लगातार ये पहल की जा रही है कि जब दूसरे देशों में भारत के पीएम ही नहीं बल्कि भारत का नागरिक भी जाए तो उसे भी वही सम्मान मिले जो बाकी लोगों को मिलना चाहिए, जो पीएम मोदी को मिलता है। और देखिए ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में देखा भी गया, क्योंकि जिस तरीके से एक मिनी इंडिया का नाम देने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, जहां पर देखिए भारत के नागरिक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वहां पर एक नाम दिया जाएगा उस जगह को मिनी इंडिया। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी पहल है, और एक भारत के नागरिकों के लिए सम्मान वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से वापस आने के बाद देखिए एक दिन तो छोड़िए दीपिका, एक घंटे भी वो आराम नहीं करते हैं, और लगातार इसी बिजी स्केड्यूल के साथ वो देश की उन्नति और विकास की तरफ काम करते हुए दिखाई देते हैं। दीपिका हम जानकारी को साझा करने के लिए।